गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एज यू नो आई एम राकेश कुमार, योर ज्योग्राफी टीचर. टुडे वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड इट इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर आवर कंट्री इंडिया. सो look at here, this is our country, this is the map of our country and it is the political map. But in this map, now we have to learn about its feature. That means the land forms or the land part or the mountain, the plain, the plateau, desert, island groups and coastal area. So let us start. In the northern side or upper side of the this map, Himalayan mountain range are located here. दिस इज द ग्रेटर हिमालय. और इसको आप देख पा रहे हैं कि यह बिल्कुल क्या है, एक बिल्कुल सीधा सा एक कोड है, चोड़ है, ठीक है, इस चोड़ के रूप में है और यह अनब्रेकेबल है, कहीं भी यह टूटा हुआ नहीं है. दूसरा हमारा इसका है मिडिल हिमालय एंड लास्ट वन द शिवालिक. तो यह नॉर्दर्न माउंटेन है, यानी नॉर्दर्न माउंटेन का यह हिमालय है और इस हिमालय के 3 रेंज हैं. सबसे ऊपर वाला यानी इसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कहा जा सकता है और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, इसका दूसरा नेम है हिमाद्री और इनर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे पिक्स मिलेंगे हमें, जैसे माउंट एवरेस्ट, वह माउंट एवरेस्ट भी इसी ग्रेटर हिमालय में है और ये सिक्किम के पास से हमें यह दिखेगा जो कि तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे है. ओके, तो ये था हमारा नॉर्दर्न माउंटेन. सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेन, नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन, नंबर 3 प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू, नंबर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नंबर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन और आइलैंड. The Great Indian Desert and
चलिए इसको हम सेपरेट ही कर देते हैं। नंबर 5, द कोस्टल प्लेन। नंबर 6, आइलैंड ग्रुप्स। सो देर आर 6 डिवीजन ऑफ आवर इंडिया फिजिकल डिवीजन। ओके, देर आर 6 फिजिकल डिवीजन। फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड प्लेट्यूज, नंबर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नंबर 5 द कोस्टल प्लेन, एंड नंबर 6 द आइलैंड ग्रुप। द आइलैंड ग्रुप ग्रुप्स। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन नंबर 1। नाउ नंबर टू इज द नॉर्दर्न प्लेन। साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन इट स्टार्ट फ्रॉम हियर पंजाब टू आसाम। पंजाब टू आसाम इट इज द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन नंबर 2। ओके, एंड वेस्ट ऑफ अरावली रेंज दिस इज द अरावली रेंज। वेस्ट ऑफ अरावली रेंज दिस इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एंड नंबर 3 प्लेट्यूज। इंडिया हैज 2 प्लेट्यूज, द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। दिस इज द प्लेट्यू व्हिच इज इन ट्रायंगुलर शेप। ओके, यह ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। तो यह इंडिया का प्लेट्यू है जिसे 2 पार्ट में बांटा गया है, और ऊपर का जो है ये भाग इसको सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। और सेंट्रल हाईलैंड के और बहुत सारे नेम हैं, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, मालवा प्लेट्यू एट्सेट्रा, ये सब। और सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ इस झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यह एक्सटेंड कर जाता है बांग्लादेश और त्रिपुरा तक। इस एक छोटा सा प्लेट है प्लेट्यू का, जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ नंबर 4, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। दिस इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नंबर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड नंबर 5 द कोस्टल प्लेन। अब यहां जो ये आपको स्टूडेंट, ये जो है आपका कोस्टल प्लेन है, ठीक है। कोस्टल प्लेन इंडिया के दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही साइड में है, और यह वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट एंड सी कोस्ट, इन दोनों के बीच में यह हमें देखने को मिलता है, जो कि नैरो है। और वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट जो है वह वाइडर है, ईस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न घाट, बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न कोस्ट, इट इज कोस्टल प्लेन। ओके, और यह कोस्टल प्लेन आपका नंबर 5 एंड नंबर 6 दैट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। यह आपका नंबर 6
इसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न साइड में है, जो अरेबियन सी में आता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार या बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। और यहाँ नंबर ऑफ आइसलैंड बहुत सारे हैं, और इस नंबर ऑफ आइसलैंड को दो पार्ट में बांटा गया है, ग्रेट निकोबार एंड निकोबार, और अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है। सो ऑल द फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया इज कंप्लीटेड नाउ। सम टर्म्स और टर्मिनोलॉजी केम इन दिस फिजिकल फीचर एंड दैट इज पेनिनसुला, आइसलैंड, वॉट इज पेनिनसुला, शेप ऑफ आवर इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया इज इन वी शेप, ओके। नंबर वन, पेनिनसुला, शूला, ए प्लेस, ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय That is surrounded by water on three sides. That is Peninsula. Iceland. A piece of land that is surrounded by water on all sides. That is Iceland. Corals. Our Lakshadweep is a coral island. Coral. These are skeletons these are skeletons of teeny marine animals called polyps. And last one is the strait. The Pok Strait is divided India and Sri Lanka between two free country. The place
बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंड द नेम इज पॉक स्ट्रेट PALK पॉक स्ट्रेट. ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर connecting to large water bodies connecting to large water bodies like seas and oceans. That is called the strait. And Pock Strait connect two large water bodies like Arabian Sea and Bay of Bengal. So it is called strait. Okay. These some terms comes in your text in chapter the physical features of India. So this chapter is now completed and I hope all of you take advantage to see this video. So, okay, thank you.